ओके गाइस, तो कोन क्लच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काफी अच्छा टॉपिक है ये भी, कोन क्लच। इसके बाद हमारा एक बचेगा सेंट्रीफ्यूगल क्लच, और लगभग हमारा बहुत टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अप्रोक्सीमेट इस चैप्टर में टोटल ऑटोमोबाइल का मैं टॉपिक बना रहा हूँ, तो इस टॉपिक में आई थिंक 4-5 वीडियो मैं और बनाऊंगा, और हमारा जो तो ट्रांसमिशन सिस्टम है ऑटोमोबाइल का, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोन क्लच अभी हम बनाएं, तो कोन क्लच पे हम बात करते हैं। अभी आपको जो डायग्राम दिख रहा है, कोन क्लच का मतलब क्या हुआ? आपका एक कोन है, ठीक है। देखो ये कोन बन रहा है, ये आपकी फ्लाई व्हील है, ये आपका इंजन से आ रहा है, दैट इज ड्राइविंग शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट, ठीक है। मैं इसका थोड़ा डेरिवेशन भी कराऊंगा, बट देखते हैं। तो जनरली क्लच का काम क्या होता है, फिर से बता रहे हैं, क्लच का काम होता है इंजन से गियर बॉक्स तक पावर को ट्रांसमिट करना विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिट तो करता है, उस पावर को इंगेज भी करता है, डिसएंगेज भी करता है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इंजन हो गया, ये हमारा गियर बॉक्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा व्हील, इधर व्हील आ गया, ठीक है, इधर व्हील आ गया। तो इंजन का जो शाफ्ट है और गियर बॉक्स का शाफ्ट है, अभी ये डिसएंगेज है, क्योंकि एक बार इंजन आप स्टार्ट कर दोगे, ये तो कंटिन्यूअस रोटेट रहता होता रहेगा ना। बट आपको जब गियर शिफ्ट करना होगा, तो कभी आप चलती गाड़ी में गियर को लगा के देखना, नॉइज वगैरह होते हैं, गियर के टूथ टूट सकते हैं। तो अगर आप स्मूथली चाहते हो गियर को लगाना, तो आपको डिसइंगेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंजन तो स्टार्ट कर दिए, वो तो बंद होने होने से रहा, ठीक है। तो जो गियर बॉक्स है, इस गियर बॉक्स को आपको अभी डिसइंगेज है, दोनों शाफ्ट अटैच नहीं है, तो आप इजिली गियर को शिफ्ट चेंज कर लो। और फिर जैसे क्लच को आप छोड़ोगे, क्लच को जैसे छोड़ो, क्योंकि यहीं पे होता है हमारा क्लच, और जैसे क्लच को छोड़ोगे, ये दोनों शाफ्ट आपस में इंगेज हो जाएंगे, ठीक है। क्लच को छोड़ोगे तो इंगेज हो जाएंगे, और फिर पावर, इंजन की पावर आपकी गियर बॉक्स पर ट्रांसमिट होने लगेगी, ठीक है। और जैसे आप पैडल को प्रेस करोगे, पैडल को प्रेस करोगे, तो ये डिसइंगेज हो जाएगी, ये तो घूमता रहेगा बट ये नहीं घूमेगा। आप गियर शिफ्ट करके जो चाहो गियर शिफ्ट कर लो, और क्लच को जैसे आप छोड़ोगे, ये फिर इंगेज हो जाएगा, पावर ट्रांसमिट होने लगेगा, ठीक है। ये था क्लच हमारा काम कैसे करता है। इससे पहले हमने देख लिया सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, अब कोन क्लच ले रहे हैं। तो कोन क्लच में जो हमारा क्लच प्लेट है, ये वो कोन शेप का होता है, ठीक है, और जो हमारी फ्लाई की होती है, वो भी कोन शेप की होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोन क्लच, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्लाई व्हील, ये हमारा हो गया CLUT, क्लच प्लेट, ठीक है, कोन शेप का कोन क्लच प्लेट, ठीक है। और यहीं पे इसके ऊपर लाइनिंग लगी होती है, ठीक है, इसके ऊपर लाइनिंग लगी होती है, फ्रिक्शन लाइनिंग, ठीक है, कोन क्लच के ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग लगी होती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। फ्रिक्शन लाइनिंग जनरली ये एस्बेस्टस का बना होता है, एस्बेस्टस का बना होता है, ठीक है, फ्रिक्शन लाइनिंग, क्योंकि जितना एस्बेस्टस मानते हैं कि एस्बेस्टस की जो फ्रिक्शन की कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जब ये इसके कांटेक्ट में आता है, तो एकदम इंटरलॉक हो जाता है, ठीक है। पावर कैसे ट्रांसमिट होता है, इंजन को स्टार्ट है, ये फ्लाई व्हील तो कंटिन्यूअस रोटेट होता रहेगा, फ्लाई व्हील रोटेट होगा, रोटेट होता रहेगा। अगर आप चाहते हो, आपको ये गियर बॉक्स का शाफ्ट है, इस गियर बॉक्स के शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करना, तो इसको इंगेज करना पड़ेगा। ये जो कोन क्लच है, जब इस फ्लाई व्हील, कोनिकल फ्लाई व्हील, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कोनिकल फ्लाई व्हील के अटैचमेंट में आएगा, तब हमारा ये कोन क्लच भी रोटेट होगा, और कोन क्लच हमारा कनेक्टेड इस शाफ्ट से, तो ये शाफ्ट भी स्टार्ट हो जाएगा रोटेट होना, ठीक है। तो अभी जो केस बना के मैं रखा हूं, ठीक है, ये केस किसका है, ये है पैडल जब आप प्रेस करके रखे हो, डिसइंगेज का केस है, जो अभी डिसइंगेज इंगेज का केस है। मैंने पैडल को पैडल में फोर्स लगा रखा है, पैडल में मैंने लोड लगा रखा है, तो ये डिसइंगेज है, ठीक है, क्लियर है। और जैसे मैं लोड हटाऊंगा, क्योंकि लोड लगाने से आपकी जो ये बेयरिंग है, ये बेयरिंग इस स्प्रिंग को दबाएगा, इस स्प्रिंग को दबने से आपका कोन क्लच क्या ओके, जैसे आप पेडल लगाओगे, तो ये पीछे की ओर जाएगा, इस पीछे की ओर जाने से क्या होता है, स्प्रिंग भी पीछे की ओर जाएगा, पर कोन क्लच भी पीछे की ओर चला जाएगा, तो ये डिसइंगेज हो गया, ठीक है। और जैसे आप प्रेशर हटाओगे, तो क्या प्रेशर हटाने से ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, मतलब कैसा दिखेगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये फिर कुछ इस तरीके से हो जाएगा,
ठीक है, ऐसा आकर इंगेज हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो जनरली ये कौन है, ये पूरा पार्ट इंगेज हो जाता है इसके कॉन्टेक्ट में, फ्लाईव्हील के कॉन्टेक्ट में जैसे आता है तो पावर ट्रांसमिट होने लगता है इंजन से इस गियर बॉक्स के शाफ्ट पे। इस क्लच में पावर ट्रांसमिट होता है और ये क्लच कनेक्ट है आपके गियर बॉक्स के शाफ्ट से, तो इस शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट होता है और ये शाफ्ट भी रोटेट होने लगता है। तो ऐसे इंजन से पावर ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ कोन क्लच, विद द हेल्प ऑफ कोन फ्रिक्शन लाइनिंग। कोन फ्रिक्शन लाइनिंग किसका बना होता है, एस्बेस्टस का, ठीक है, एस्बेस्टस का इसलिए यूज करते हैं, और भी मटेरियल का रहता है बट जनरली एस्बेस्टस का रहता है। और जैसे हम पैडल को प्रेस करते हैं, ये जो फ्लाई व्हील से जो हमारा क्लच अटैच है वो अटैचमेंट छूट जाता है, ठीक है, अटैचमेंट छूट जाता है, फ्लाई व्हील घूमता रहेगा बट पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, इधर की पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है, क्लच जब हम प्रेस करेंगे। और जैसे क्लच को हमने छोड़ा, क्लच को छोड़ा, ये वापस आगे आ जाएगा और अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है, पावर ट्रांसमिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ ऑटोमोबाइल के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ तक आप वीडियो को आप देख सकते हो, काफी है इतना कैसे काम करता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में बहुत कम चांस होता है कि इसके न्यूमेरिकल आते हैं, 1-2% चांस होता है कि कौन क्लच पे न्यूमेरिकल पूछ दे आपसे। बट एज अ डोम के लिए अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो मैं अब डेरिवेशन आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको जरूरत नहीं है ऑटोमोबाइल वाले जो देख रहे हैं लेक्चर उनके लिए, बट एज अ डोम के लिए देख रहे हो, टोम के लिए अगर ये सब्जेक्ट आपके लिए देख रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए देख रहे हो, तो मैं आगे डेरिवेशन बताने वाला हूँ, तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में ईजी होगा, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल वाले आप वीडियो पॉज करके जा सकते हो, बाकी जो आगे हैं वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो कौन क्लच है, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस हो गया R1 और ये हो गया R2, इसका जो एंगल है इससे दैट इज अल्फा, कौन का जो एंगल है अल्फा, दिस इज R1 दिस इज R2, जब इसके अटैच में आता है तो जो प्रेशर एक्ट होता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, यूनिफॉर्मली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड इधर भी और इधर भी, नॉर्मली जो प्रेशर इस पे एक्ट होता है कोन क्लच पे। तो हम देखते हैं पहले यूनिफॉर्म केस में हमारा क्या प्रेशर, कितना प्रेशर इस पे एक्ट हो रहा है, और मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन में अगर प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन दैट केस हाउ मच टॉर्क विल बी ट्रांसमिट फ्रॉम इंजन टू गियर बॉक्स, इस शाफ्ट में कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, और इन केस ऑफ वियर के केस में हाउ मच टॉर्क विल बी, मैक्सिमम टॉर्क विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस फ्लाईव्हील टू दिस क्लच, ठीक है, वियर केस, दोनों केस में हम देखेंगे। तो देखिए R1, R2, ठीक, इसका सर्कल आप बनाओगे तो जनरली ऐसा कुछ बनेगा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है, ये अल्फा एंगल, जो कोन का एंगल है अल्फा एंगल। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि कितना टॉर्क ट्रांसमिट हुआ, तो उसके लिए आप क्या करें, मैं एक रिंग बना रहा हूं, इस रिंग की रेडियस में सेंटर से R दे रहा हूं, इस रिंग की जो थिकनेस है वो dr है, ठीक है। तो एरिया कितनी हो जाएगी रिंग की जो एरिया है वो कितनी हो जाएगी, 2πr, ओके, मैं इसका थिकनेस को dl ले लेता हूँ, जो रिंग जो मैंने एलिमेंट्री रिंग कंसिडर किया है उसकी थिकनेस dl, तो dl एरिया क्या हो जाएगी उस रिंग की, dl। क्या कर रहा हूं मैं, एक्चुअली पतली सी स्ट्रिप बनाया, उस स्ट्रिप पे मैं टोटल टॉर्क कैलकुलेट कर लूंगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा R1 से R2 तक। तो जो ये वाला जो पार्ट है जो फ्रिक्शन लाइनिंग जहां पे लगा हुआ है, पावर तो यहीं से ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो इस पे कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस एलिमेंट्री रीजन का हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे R1 से R2 पे, तो हमारा पूरे का निकल आएगा। तो dA इज इक्वल टू 2πr dl, ठीक है, dA इसलिए लिया हूं क्योंकि इस स्मॉल का कैलकुलेट करो, तो dA इज इक्वल टू 2πr, ओके, यहां पे अगर आप R देखा जाए, एवरेज देखा जाए, तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन 2, ठीक है, वेयर दिस R
is the mean radius. This is the mean radius of the cone class. Mean radius of the cone class is r1 plus r2 upon 2. ठीक है, तो mean radius इसको अगर compare कर दे alpha angle पे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 pi r dr cos alpha. ठीक है, तो final जो area है आपका elementary वाले part का, elementary वाले part का जो area है calculate हो गया. This is dr. ठीक है, alpha तो आपका ये एरिया क्या है वो निकल रहा है, और दिस इज डीएल. ठीक है, तो डीए निकल गया. मैं इसको मिटाता हूं और अपन आगे कैलकुलेट करते हैं. नाउ पहला किस ले रहे हैं, यूनिफॉर्मली अगर प्रेशर पूरे क्लच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, इन दैट केस हाउ मच टॉर्क विल बी ट्रांसमिटेड. तो नॉर्मल लोड ऑन द रिंग, ठीक है, मैं आर ऑन द एलिमेंट्री रिंग इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया. तो डेल डब्ल्यू कितनी हो जाएगी, पी इनटू टू पाई आर डी आर कॉस अल्फा, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू की वैल्यू. ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे पे कितना लोड एक्ट हो रहा है आर वन से R2 पे कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 2 पाई नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल इंटेंसिटी. ठीक है, रिंग पे नॉर्मल इंटेंसिटी n 2 पाई n हो गया. cos अल्फा को भी बाहर ले लेते हैं. ठीक है, ओके, लोड प्रेशर अपॉन एरिया. ओके, दिस इज नॉर्मल लोड, ये जो फॉर्मूला है नॉर्मल लोड के लिए. ठीक है, दिस इज फॉर नॉर्मल रोड लोड एक्टिंग ऑन द क्लच, एंड फॉर एक्सियल के लिए जो एक्सिस हमारा आ रहा था उसके अकॉर्डिंग जब आप लोगे तो इसमें आपको साइन अल्फा को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, इसको अगर देखा जाए सॉल्व किया जाए तो डीएल क्या हो जाएगा, दिस इज डीएल, कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू डीएल अपॉन डीआर. ठीक है, तो डीएल इज इक्वल टू डीआर कॉसेक अल्फा आएगा, कॉस नहीं कॉसेक अल्फा, हमारा एरिया निकल जाएगा. ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा cosec alpha हो जाएगा. ठीक है, therefore ये कट गया, ये जो हमारा था पहले. ठीक है, अगर मैं area यहाँ पे लिख दूँ 2 pi r dr cosec alpha, ये है normal load है, normal load के लिए. ये जो sin alpha जो हमने multiply किया जब axis के according, अगर आप देखोगे क्या load transport हो रहा है, ये axial load, एक्सियल लोड ऑन द क्लच प्लेट, साइन अल्फा का हमने मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन किया. ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो इंटीग्रेट कर दिया मैंने, एक स्टेप यहाँ पे हटा दिया, इसकी जो वैल्यू आएगी पी एन टू पाई बाहर आ जाएगा आर वन से आर टू आर डी आर विच इज इक्वल टू पी एन टू पाई आर स्क्वायर बाई टू आर वन से आर टू डब्ल्यू इज इक्वल टू Pm 2 pi r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा और Pn की वैल्यू, Pn की वैल्यू हो जाएगी इधर आ जाएगा w pi r Okay.
क्योंकि कोन है ना, कोन क्लच है, तो जो ट्रांसफर होगा वो आर टू से आर वन, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो रहा था, आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, दिस इज आर टू फ्रॉम आर वन, नॉट आर वन टू आर टू, ठीक है। तो हमारा जो टोटल नॉर्मल लोड है जो हमारे क्लच प्लेट पे एक्ट हो रहा है वो ये है, ठीक है। तो इससे आप टॉर्क निकाल लो, टोटल टॉर्क निकाला जाए डायरेक्ट, टोटल टॉर्क निकालेंगे आर टू से आर वन, ठीक है। टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, दिस पी इंटू आर, दिस सॉरी डेल डब्ल्यू इंटू आर, डेल डब्ल्यू की क्या वैल्यू थी, सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, डब्ल्यू इंटू आर, डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पी एन एंड दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करोगे, म्यू की वैल्यू पुट करोगे तो आर टू आर वन म्यू म्यू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इतना नोट कर लो, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू हमारा हो जाता है म्यू, दैट इज फ्रिक्शनल कोफिशियंट अपॉन डेल डब्ल्यू, ठीक है। और जो आपका टॉर्क होगा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू, डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी हमारी, डेल डब्ल्यू की वैल्यू थी पी एन इंटू टू पाई आर, टू पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा, ठीक है। अब इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ आर की वैल्यू, ये है एफ आर यहाँ रखेंगे तो म्यू पी एन इंटू टू पाई आर स्क्वायर डी आर कॉसेक अल्फा, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं आर टू से आर वन पे, तो ये हो जाएगा टोटल टॉर्क ट्रांसमिट विच इज इक्वल टू म्यू पी एन टू पाई कॉसेक अल्फा आर थ्री अपॉन थ्री आर वन आर टू, तो टोटल टॉर्क हो जाएगा म्यू पी एन टू पाई कॉसेक अल्फा आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब अपॉन थ्री, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू, इसको और अच्छे से आप चाहो तो लिख सकते हो, टोटल टॉर्क टू बाई थ्री म्यू, अब पी एन, पी एन की वैल्यू जो हमारी क्या आई थी डब्ल्यू अपॉन, पी एन की वैल्यू हमारी क्या आई थी, यहाँ पे पी एन को मिटा रहा हूँ, डब्ल्यू अपॉन पाई आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर आया था ना, पी एन की जगह मैं ये वैल्यू पुट किया तो ये हो जाएगा टू, ये टू और ये थ्री इधर आ गया टू बाई थ्री म्यू डब्ल्यू, पाई से पाई कैंसिल हो गया, म्यू डब्ल्यू कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब अपॉन आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर विल बी दिस। तो क्या अंतर हुआ, टी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आर कॉसेक अल्फा। इससे पहले हमने सिंगल प्लेट क्लच में देखा था तो टोटल टॉर्क का फॉर्मूला निकला था म्यू डब्ल्यू आर, ये निकला था ना। तो ये कोन था ना, ये कोन है, ये कोन होने के कारण क्या हो गया, एक एंगल बना रहा अल्फा, तो क्या हो गया ये अल्फा कॉसेक अल्फा इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में 2 बाई थ्री आर की वैल्यू कितनी है, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है यूनिफॉर्म केस में,
यूनिफॉर्म प्रेशर केस में आर की यहाँ पे जो आर मैंने लिखा हूँ आर की वैल्यू कितनी है 2/3 आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब अपॉन आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए हमारा फॉर्मूला बनता है, आर की वैल्यू ये पुट करनी होगी। अब वियर केस में देखते हैं, यूनिफॉर्म वियर केस में सेम टू सेम सॉल्व करोगे तो उस केस में आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर वन प्लस आर टू अपॉन। ठीक है, यस, आर वन प्लस आर टू, अब ये या इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू अगर ये पुट कर दोगे तो जो न्यू फॉर्मूला बनेगा वो यूनिफॉर्म वियर के लिए बनेगा। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वियर हाउ मच टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, ये फॉर्मूला लिखना है, आर की वैल्यू ये पुट करनी है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर हाउ मच टॉर्क विल बी प्रोड्यूस इन द क्लच, हाउ मच टॉर्क विल बी ट्रांसफर्ड एक्चुअली ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो आर की वैल्यू ये रखोगी आपका निकल आएगा। तो ये था हमारा कोन क्लच का डेरिवेशन। तो जनरली आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, जितना मैं यहाँ पे लिखा हूँ आपको ये इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये टॉर्क का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, आर की वैल्यू अगर ये पुट कर दोगे तो यूनिफॉर्म प्रेशर केस में टॉर्क ट्रांसफर कितना हो रहा निकल जाएगा, आर की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो आपका यूनिफॉर्म वियर केस में निकल जाएगा। तो पूरा डेरिवेशन के बाद आपको ये तीन फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कोन क्लच में बाकी कुछ नहीं, काफी है। ठीक है, थैंक यू।